ये जोमेटो भाई का क्या कुछ प्रॉब्लम है? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है क्या? डिलीवरी है कोई? हेलो हाँ मैडम, मैं रस्ते में हूँ, क्या करूँगा मालूम नहीं, कुछ भी नहीं। 30-40 मिनट के अंदर मैक्सिमम तुम्हें डिलीवरी करना है, तो अभी तो 15 मिनट तुम्हारा यहीं पर चला गया। चलो तो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीतम ग्राउंड मिस्टर, सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो हर ब्लॉग की तरह अभी इस ब्लॉग में भी हमारा साथी है KTM Duke 390। अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:30 बज रहे हैं, तो अभी निकल पा रहा हूँ एक छोटे से ब्लॉग के लिए। रिजिन के एक फ्रेंड आ रहा है तो मुलाकात करना है, और ड्यूक में थोड़ा काम भी करवाना है, एक LED लाइट मार्केट में नया है तो वो भी देखना पड़ेगा, तो छोटा मोटा काम है तो वो सब निपटा लेंगे आज, और एक छोटा सा ब्लॉग भी आप लोगों के लिए तैयार करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंजॉय कीजिए, और चैनल में नए हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आप लोग शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा नया नया वीडियो और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स बनाने के लिए। सही बात है ना? वैसे बहुत गर्मी पड़ गई है, देखो अभी निकला हूँ और टी शर्ट हाफ भीग गई है गर्मी में, मतलब इतना स्वेटिंग हो रहा है ना कि क्या बताऊँ आप लोगों को। अभी होली गया है और होली से पहले से ही, मतलब 15 दिन पहले से इतना गर्मी है कि सुबह में निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अभी भी थोड़ा ह्यूमिडिटी है, अभी लगभग 5:30 बज रहे हैं, तो आप समझ ही सकेंगे जब सूरज देवता ऊपर होता है तो इतनी गर्मी होता है कि अगर हाफ टी शर्ट पहन के निकलो तो ख़त्म। ये है लेजेंडरी बाइक यामाहा RX 100। हाँ RX 100 मेरा छोटा जो अंकल है उनका बहुत फेवरेट है। इसका साउंड भी ऐसा है ना, एक सुपर बाइक की तरह साउंड करता है, लेकिन 120 या शायद एग्जैक्ट कितना सीसी का बाइक है मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत तगड़ा परफॉर्म करता है यामाहा का ये बाइक। अभी नहीं है, डिसकंटिन्यू हो गया है बहुत पहले ही। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो जिस तरह आप देखेंगे तो कोई ना कोई पार्टी का पोस्टर या फ्लैग्स ये सब देखने को हमको मिल जाएगा। इलेक्शन के टाइम पे नेता वगैरह ये सब लोग बहुत कमिटमेंट करता है, लेकिन एक्चुअली वो लोग कितना काम करते हैं वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन कमिटमेंट बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारा पॉलिटिक्स सिस्टम ऐसा ही चल रहा है। तो यहाँ पे आया था एक दोस्त से मिलने, तो उसके साथ बात हो गया। अभी एक दुकान पे जाना है, KTM का दो एक एक्सेसरीज आया है, वो कैसा है वो देखना जाना है, गुड़िया के साइड में है, तो जल्द से जल्द वहाँ पे जाते हैं और क्या क्या होता है देखते हैं। वैसे एक्सेसरीज ज़्यादा मैं बाइक पे नहीं लगाता, फिर भी कोशिश करता हूँ जितना हो सके उतना ही लगाने का, ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सेसरीज ओवरलोड मैं बाइक पे नहीं करता। वैसे टूरिंग के लिए जितना एक्सेसरीज नेसेसरी है वो लगाना ज़रूरी है मेरे लिए। वैसे देखो एक दो महीने के अंदर ही मैं सिक्किम जाने के बारे में, अरे ये क्या जोमेटो भाई का क्या क्या हुआ इसके साथ, अरे क्या हुआ भाई, कुछ प्रॉब्लम है? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, अचानक से स्टार्ट नहीं हो रहा है? पेट्रोल वगैरह सब कुछ है? ठीक से देख लो, पेट्रोल भी तो मेरा तो स्कूटी के ऊपर ज़्यादा नॉलेज नहीं है। क्या डिलीवरी है कोई? हेलो हाँ मैडम, मैं रस्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ अभी। नहीं नहीं मैडम, गाड़ी थोड़ा ख़राब हो गया इसलिए। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ मैम, मैं कोशिश कर रही हूँ, कंप्लेन मत कीजिए मैम प्लीज़।
पता नहीं मैडम, अचानक से हो गया। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ मैडम, हाँ मैडम, आप कंप्लेंट मैम कीजिए, ठीक है मैडम। हाँ मैं आ रहा हूँ। तो कैसे जाओगे, स्कूटी तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। अरे आधे घंटे में डिलीवरी करना पड़ेगा। देखो ज़्यादा सोच के तो फायदा नहीं, तुम मुझे लगता है सर्विस सेंटर में देना पड़ेगा, मतलब सामने एक दुकान है, तो जल्द से जल्द चलो वहाँ पे दे देते हैं, बाकी मैं देख लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। देखो नहीं नहीं तकलीफ लेने की कोई बात नहीं है, एक दूसरे के हेल्प करूँगा तभी तो काम पे आएगा ना। कब से जोमेटो में काम कर रहे हो? एक साल से। तो काम करने से पहले थोड़ा स्कूटी वगैरह चेक करके लो, जो ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुछ महीने से ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहा है। मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा, मुझे नॉलेज नहीं है स्कूटी के बारे में ज़्यादा। मशीन में कोई प्रॉब्लम, स्पार्क प्लग या कुछ और चीज़ का इशू है शायद। देखो मैं तो मैकेनिक नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है। स्कूटी स्टार्ट नहीं होगा ऐसे करके तुम्हारा टाइम भी चला जाएगा, कस्टमर कंप्लेन कर देगा। आजकल का कस्टमर का तो मालूम ही है, ऊपर से मैडम कस्टमर है लड़की। क्या करूंगा मालूम नहीं, कुछ भी नहीं। 30-40 मिनट के अंदर मैक्सिमम तुम्हें डिलीवरी करना है, तो अभी तो 15 मिनट तुम्हारा यहीं पर चला गया। कौन फोन कर रहा है बीच में तो? हेलो हेलो हेलो, बोल रहा हूँ कि कहाँ पर हो? अरे बीच में एक प्रॉब्लम हो गया है, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, लेकिन एक जोमेटो वाला थोड़ा प्रॉब्लम है उसको। कब से खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, आप बोल रहे आओगे? अरे थोड़ा बीच में एक जोमेटो बॉय प्रॉब्लम में फंस गया है, मैं देख रहा हूँ, मैं जल्द से जल्द उसे एक सर्विस सेंटर में पहुँचने के बाद तुझे कॉल करता हूँ, ठीक है? अरे उसका स्कूटी खराब हो गया, स्टार्ट नहीं ले रहा है। करके आओ जल्दी। हाँ हाँ मैं कोशिश करता हूँ, फोन करता हूँ उसे छोड़ने के बाद ही तुझे फोन करता हूँ। हाँ 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 हाँ, तो चलो इस तुम्हें छोड़, वहाँ पे स्कूटी फोन आ रहा है, तकलीफ हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो मैं दोस्त को बोल दिया हूँ, तुम्हें स्कूटी दिखाना पड़ेगा वरना तुम डिलीवरी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहता तुम इतनी मेहनत करके अपना घर चला रहे हो, मेहनत कर रहे हो दिन भर ये सब काम कर रहे हो, फिर भी तुम लोगों के ऊपर इतना उंगली उठता है कि तुम लोग काम नहीं करते। एनीवेज चलो जितना हो सके मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए, चलो चलो। तो भाई लोग ये प्रॉब्लम में था राकेश, है इसका नाम राकेश है, तो राकेश प्रॉब्लम में था, इसको डिलीवरी करना है, तो अगर मेरे लिए इसका नौकरी बच जाता है, इसका थोड़ा हेल्प हो जाता है, तो उससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। चलो स्ट्रेट रखो, स्ट्रेट रखो, मुझे भी उतना टो देने का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, आसान नहीं है। चलो पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा है ये टो देने का। राइट लो, राइट लो, few moments later. A
राइट ले लो राइट, सामने जो है दिखाई दे रहा है, उस तरफ उस तरफ। भैया देखो स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है गाड़ी? स्टार्ट नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है? देखो देखो क्या हो रहा है। हाँ मैडम मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, अरे पाँच पाँच दस मिनट में आ रहा हूँ। हाँ मैम, हाँ मैम, मैं आ रहा हूँ मैम, मैं अब कंप्लेन मत कीजिए मैम प्लीज, मैं आ रहा हूँ मैम, आप कंप्लेन मत कीजिए मैम, पाँच दस मिनट आ रहा हूँ। सर पाँच मिनट में कैसे जाएगा तू, एक काम कर चल मुझे, मैं तो तुझको छोड़ देता हूँ। भैया भाई साहब आप स्कूटी देख लीजिए, तू चल मेरे साथ। नेविगेशन होना है ना, लोकेशन मालूम है? सर मैं रास्ता बताना, देख ले। यहाँ से इसके बाद से आपके लोकेशन पे हूँ। हाँ दिख रहा है, हाँ वो वाला गली ना, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जब तक डिलीवरी करता है मैं यहाँ पे बाइक पार्क कर देता हूँ, उसका डिलीवरी के बाद उसका बाइक भी देखना है। हो गया कस्टमर क्या है बोला? वो बोल रहा था कि बहुत टाइम मैंने बहुत आगे ऑर्डर किया था, इतना लेट क्यों हुआ था, उन्होंने बोला तो सॉरी बोला, एक्सप्लेन किया थोड़ा जे प्रॉब्लम हो गया था, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ बोल दिया मैम को। चलो चलो क्या भाई हुआ? हो गया भाई। क्या हुआ था प्रॉब्लम? ट्रैक्टर बाइक खराब हो गई। अच्छा देख लो स्टार्ट करके देख लो। ठीक हो रहा है? ये कितना हुआ होगा? ये लोग Thank you.
ठीक है ठीक है। हाँ क्या स्टैंड थोड़ा प्रॉब्लम है वो बाद में करवा लेना। अच्छा स्टैंड में थोड़ा प्रॉब्लम है वो ठीक कर लेना बाद में। ठीक है तुम्हारा काम हो गया भाई। अगर अगर अपने होते तो डिलीवरी नहीं कर सकते। नहीं 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 तुम शहर मत बोलो। अरे शहर मत बोलो, मैं तुम्हारा बड़े भाई के उम्र का हूँ तो बहुत मेहनत करके काम कर रहे हो, काम ठीक तरह से काम करो, स्कूटी को ठीक रखो क्योंकि ये अगर ठीक नहीं रहेगा तो तुम काम नहीं कर पाओगे। अगर आप अपना काम छोड़ के मेरे साथ, आज मैं था इसलिए तुम्हारा हेल्प कर दिया, लेकिन कल अगर होगा तो कौन करेगा। तो खुद का ध्यान खुद रखना सीखो। और कौन कौन है फैमिली में? मेरे माँ है, बाबा है, मेरा बड़ा भाई और दो बहन। वाह वाह बहुत बड़ा फैमिली है तुम्हारा। ठीक है और क्या बोलूँ, मेहनत करो। और तुम लोगों के वजह से ही हम लोग घर में बैठे बैठे खाना मिल जाता है। और कोई कोई लोग फ्री में खाना देने के लिए बहुत सारा ड्रामा करता है, सब लोग तो जानते ही है। ऐसा मत करो, अपना खून पसीना एक कर हमारे लिए मेहनत करके खाना पहुंचते हैं तो इन लोगों को सपोर्ट करना तो बनता ही है। तो राकेश हाँ अपना काम छोड़ कर आया आज मेरे साथ? नहीं नहीं वो कोई बात नहीं, मैं अभी निकल जाऊंगा तो कोई बात नहीं है, जाओ ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, जो कुछ भी हुआ आपके सामने ही हुआ, आप देख सकते हैं ये सब फूड डिलीवरी जो बॉय था किसका नाम क्या था, राकेश था, तो ये अचानक स्कूटी लेके फंस गया था। मैं चला भी जा सकता था लेकिन लगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। मेहनती बंदा है, घर में बहुत सारा मेंबर्स है, कोशिश कर रहा है कुछ करने को कमाने को। मुझे बोला वो स्कूटी भी सेकेंड हैंड ये लोन पे ख़रीदा है, घर का हालात उतना ठीक नहीं है, तो जितना कोशिश किया मैं उसको हेल्प करने का मैं किया। और इन सब लोगों के वजह से ही हम लोग घर में बैठे बैठे गर्मी के मौसम में किसी भी मौसम में खाना हम लोगों के पास में घर में पहुंच जाता है खाना। और कुछ कुछ लोग इन लोगों की थोड़ी सी लेट डिलीवरी और कुछ माइनर इशू के वजह से इन लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं, फ्री में खाना देने के लिए बोलते हैं, इनके ऊपर अटैक करते हैं, फेक ड्रामा करते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कुछ कुछ लोग हैं, तो ये सब मत करो। और ये सब मेहनती बंदे लोगों के पास में खड़े रहो और जितना हो सके हेल्प करो। हेल्प करने के बाद जो एक आनंद मिलता है भीतर से, वो जो करता है वही जानता है। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही, ये एक्सपीरियंस मेरे लिए एकदम नया था। इससे पहले अभी किसी बाइक को ऐसे टो नहीं दिया हूँ और किसी रास्ते में अनजान लोगों को हेल्प भी नहीं किया, तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए पूरा नया था। हर कोई मेहनती और खून पसीना एक करके कमाने वालों के लिए मैं पर्सनली बहुत सपोर्ट करता हूँ उन लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में था, ये एक अवेयरनेस टाइप का वीडियो था मुझे लगता है। मतलब आप लोगों को भी मेरी तरह इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए अगर आपके लिए ये पॉसिबल होता है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, सबके साथ शेयर करो। अगर कोई रास्ते में कुछ प्रॉब्लम का सामना कर रहा है तो अगर तुम्हारे बस में है तो उसका मदद करो, कुछ भी करके जितना हो सके करो। आज मैं अगर उसको हेल्प नहीं करता उसका नौकरी खतरे में पड़ जाता, शायद वो कस्टमर कंप्लेन भी कर सकता था। क्योंकि आप लोगों को शायद पता है कुछ दिन पहले ही एक जोमेटो बॉय के साथ क्या हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता फिर भी आप लोगों को शायद मालूम है। तो वो हादसा इसके साथ भी नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी चीज़ है तो होना भी नहीं चाहिए। तो कोशिश किया जितना हो सके उसके लिए करने को। अभी मेरे दोस्त को फ़ोन करूंगा और नेक्स्ट जो जहां पे जाना था गुड़िया में बाइक का एक्सेसरी लगाने के लिए वहाँ पर जाऊंगा। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डायरेक्ट आप लोगों के साथ। दिस इज़ प्रीतम फ्रॉम ग्राउंड बीस्ट। लाइक करो, शेयर करो और हो सके तो चैनल में नए हो, सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।